वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। अंकल के लिए बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक अपने पास JSW स्टील्स एंड JSW स्टील्स को देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट आ चुका है एंड स्टील सेक्टर बोले से जितना भी स्टील सेक्टर सब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें भी एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, प्रीवियस हाई को मार्केट तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश में लग चुका है। ऑलरेडी उसके ऊपर में ट्रेड करा, अपने एंट्री लेवल बनता है 803.30 रुपीज़ के ऊपर में, जिसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगर कल सेम इसी लेवल पे मिलता है तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे भी गिरता है तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 793 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 834 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट रहेगा 871 रुपीज़ 85 पैसा। सेकेंड नंबर स्टॉक अपने पास ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड ग्रासिम को देखेंगे तो ये भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का तैयारी में लग चुका है। ये जो प्रीवियस हाई है, अगर इस हाई को ग्रासिम अगर तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है तो ये फिर एक सपोर्ट का काम यहाँ से करने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट होकर वापस ऊपर जाने की कोशिश ये करेगा। हम लोग बाई कब करेंगे, जब ये 1823 रुपीज़ के ऊपर जाएगा। प्रीवियस हाई को अगर तोड़ा तो हम लोग बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1802 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1850 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1895 रुपीज़। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास टाटा केमिकल्स एंड टाटा केमिकल्स को देखेंगे तो ये भी एक ब्रेकआउट जोन में है। प्रीवियस हाई को तोड़ा तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। हम लोग का बाई एंट्री बनेगा जब ये 1076 रुपीज़ के ऊपर जाए। जब इस लेवल को तोड़ेगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1050 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1122 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1154 रुपीज़। निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पे क्या करने वाला है। तो निफ्टी एक रेसिस्टेंस को फेस करा, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का जो करंट स्ट्रक्चर है वो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। निफ्टी का ये रेसिस्टेंस है एंड निफ्टी का ये सपोर्ट है, जिसके बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मे बी मार्केट यहाँ से एक बार नीचे की तरफ गिर सकता है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मार्केट रेंज क्रिएट करके ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर ब्रेकआउट आता है निफ्टी में, ये रेसिस्टेंस को निफ्टी तोड़ता है, तो हम लोग कम से कम इस हाई तक का रैली देख सकते हैं 19,976 रुपीज़ का। उससे पहले ये सब जोन पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 19,589 रुपीज़ का। सेकेंड रेसिस्टेंस जोन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 19,800 पे, और फिर 19,800 अगर टूटा तो फिर हम लोग 20,000 तक का एक रैली देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते कि ना बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करेगा। तो बैंक निफ्टी का भी जो करेंट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। ये बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ से बैंक निफ्टी हर बार रेसिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिर जा रहा है। एंड ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब मे भी मार्केट ये रेसिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ गिर जाए, पहला चीज, अगर गिरता है तो सपोर्ट तक का टारगेट, या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको क्या करेगा, ब्रेकआउट दे देगा। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं, 45,663 तक का रैली हम लोग को देखने को इसमें मिल जाएगा। उसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग जोन आएगा 44,950 का, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 44,950 का एक रैली देखने को मिलेगा। उसके बीच में वापस 45,332 यानी कि 45,330 का एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और उसके बाद 45,600 का एक राउंड फिगर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग जोन देख रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी इसको भी तोड़ता है तो ये फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का बनेगा 46,300 तक का। तो ये बैंक निफ्टी का कुछ लेवल है। डाउनसाइड का हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अपसाइड का प्लानिंग करें। अगर डाउनसाइड भी आता है तो डाउनसाइड में ये सपोर्ट तक का टारगेट रहेगा, उसके नीचे जाने का चांसेस कम है। अगर ब्रेकडाउन आया,
तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा मार्केट वापस सपोर्ट पे आके घूम जाए ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा नीचे फॉल दे चुका है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से ट्रेड लेना, ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। बाय।